नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंचा हूं जो भंडाल स्ट्रीट फार्म है वहां, और उनके ओनर से अपन बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही जो आपके मन में जो सवाल है वो कमेंट में ज़रूर करें। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वैसे तो मैं आपका वीडियो बना ही चुका हूँ, जो सामने से जो व्यूवर्स देख रहे हैं आप उनको ज़रा इधर नज़दीक आ जाए, उनको अपना जो ये घोड़ा है इसके बारे में आप डिटेल से बताएं पहले तो। इसका नाम जी पहले तो राजरूप था। अच्छा, अब इसका नाम बदल के गुरजोत कर दिया। गुरजोत। हाँ जी। तो जी ये गुरजोत है, जो ये अमन इसके आर्यन का बच्चा है जी, ये अच्छा। के पास है आर्यन घोड़ा। अच्छा। और वो जो है वो उसका बच्चा है जी राजरूप का। अच्छा जी। उदयपुर पैलेस लाइन का उसका बच्चा है जी, उसका पोता है ये। पोता। हाँ जी। ये 67 हाइट कर गया जी। अच्छा जी। और अभी 3.5 साल का हुआ है। 3.5 साल का। और पुष्कर में ये 2021 में मिल्क 30 में चैंपियन रह चुका है। चैंपियन रह चुका है। फिर फरीदकोट शो में इसको खरीद लिया गया। अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में जो विशेष जो जानकारी है वो जो है खासियत वगैरह इसकी। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है जी वो है इसकी ब्लड लाइन जी। इसकी ब्लड लाइन के उदयपुर पैलेस लाइन के आपको पूरे पंजाब और राजस्थान में मिला के 2-3 घोड़े मिले जी। बहुत कम घोड़े हैं उदयपुर पैलेस लाइन के, जो महाराजा ओन करते हैं वो ब्लड लाइन को जी। इसलिए तो सबसे खास बात तो इसकी ब्लड लाइन है, उसके बाद इसकी जो ब्यूटी और शो क्वालिटी। तो ब्लड लाइन कौन सी बताई थी? उदयपुर पैलेस लाइन का। उदयपुर पैलेस लाइन का। फादर के बारे में? फादर इसका है जी इनके पास, बिकू सिंह जी के पास है, जयपुर ब्रीड हुआ है, इनके पास ही इसका जन्म हुआ है। उनके पास जन्म हुआ, उनसे फिर बेबी अंकल ने खरीद लिया था, फरीदकोट से बच्चा खरीदा था 2000। अच्छा, बात करें अपन इसकी ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग फीस क्या रखी है आपने? इसकी ब्रीडिंग फीस 1 लाख है। 1 लाख। हाँ जी जी। तो ये इतना जैसे ब्रीडिंग का इतना महंगा लाइन के हिसाब से फिर क्या? इसकी रेयरिटी के हिसाब से, क्वालिटी और रेयरिटी के हिसाब से, क्योंकि एक तो इतनी रेयर ब्लड लाइन है और ऊपर से जो इसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से इसकी फीस 1 लाख। 1 लाख है जी। बहुत अच्छा जो घोड़ा है वो आपने दिखाया है, ब्लड लाइन का जो है वही है। तो हमारे जो सामने से जो व्यूवर्स देख रहे हैं, तो ब्लड लाइन के बारे में आप जो अच्छी, एक किसान जो है वो आपको देखकर एक अच्छी आमदनी प्राप्त करे, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। ये तो जी अगर आप अच्छे घोड़े से घोड़ी ब्रीड कराओगे जी तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। मेन सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा मैथ्स तो है नहीं। अच्छा। अच्छे घोड़े से घोड़ी मिलेगी तो बच्चा भी अच्छा आएगा। वो बच्चा आप कैसे तैयार करते हो, कैसे ध्यान रखते हो, उसके ऊपर डिपेंड। सर आपने तो बहुत सारे घोड़े घोड़ी रख रखी है, जो हमारे जो नए व्यूवर्स है ये कोई नया आंसू पालक है, तो उसको सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए, घोड़ा या घोड़ी कैसे शुरुआत करनी चाहिए? घोड़ा तो जी बड़े जो फार्म है जी रखना चाहिए, जिनके पास खुद ब्रीडिंग करते हैं खुद की घोड़ी का। अच्छा। सबसे पहले किसी ने नई शुरुआत करनी है घोड़ी या बच्ची उससे स्टार्ट करें, क्योंकि वो एक तो पैसे लगाकर घोड़ी खरीदेगा फ्री में तो खरीदेगा जी, तो आगे बाद में बच्चा आएगा जब उसके घर पे वो 1 से 2 जानवर होंगे, फिर वो बच्चे को जब बेचेगा उसकी आमदनी होगी, फिर वो ऐसे उसका शौक बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो सबसे पहले घोड़ी या बच्ची। अच्छा, घोड़ी खरीदने से एक शौक के साथ साथ जानवर भी बढ़ पाएंगे उसके। जी बहुत अच्छी जानकारी। सर आप इतने घोड़े और घोड़ियाँ पाल रखे, कोई ऐसा अनुभव या ऐसा जो कोई सबसे आपका बेस्ट जो घोड़ा है या घोड़ी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी? सारी बेस्ट है जी, सभी वहीं फार्म पे, सर हर एक का अलग कमरा है जी। अच्छा। 40 घोड़े हैं, 40 कमरे हैं, हम किसी भी घोड़े को बांध के नहीं रखते, सारे खास हैं खुले। हाँ जी, खुले रखते हैं। तो एक से बढ़ के एक घोड़े अपन कहा जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हो दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये गोल टेंट बना रखे हैं ताकि इसके अंदर भी जानवर बांध ना। देख रेख तो मैं देख रहा हूँ सारे गंगानगर मेले में बहुत ही अच्छी, आपने 40 घोड़ों के लिए व्यवस्था कर रखी है और बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कीमती टाइम जो निकाल के आपने हमारे व्यूअर्स को जो अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।